गॉडफादर कैसी लगी? हाँ सर, अच्छी फिल्म थी, मतलब इतनी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ एक बार देखी जा सकती है। चिरंजीवी का देखिए क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं वो, मतलब इस एज में भी क्या एक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है। स्टोरी हालांकि मैं कहूंगा कि पिछली कई सारी फिल्मों में हम इस तरह की साउथ की फिल्मों में स्टोरीज देखते हैं। स्टार्टिंग वो देखिए सीएम की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी कौन दावेदार है, चिरंजीवी भी आते हैं, नयनतारा भी हैं, सत्यदेव भी हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद इंटरवल के थोड़ा सा पहले हमें सलमान भाई की एंट्री देखने को मिलती है, उनका नाम अजीब सा रख दिया गया, मासूम भाई ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं पता एक्सपेक्ट क्या था, लेकिन ज़बरदस्त उनका कैमियो, बिल्कुल एंट्री इतनी ज़बरदस्त दिखाई है उनकी। उसके अलावा वो तीन बार हमें देखने को मिलते हैं, इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद एक बार थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है, उसके बाद फिर वो क्लाइमैक्स के टाइम आते हैं, वहाँ ज़बरदस्त एक्शन करते हैं। मतलब टोटल स्क्रीन टाइम की बात की जाए तो सलमान का लगभग 10-15 मिनट के लिए हमें देखने को मिलते हैं पूरी फिल्म में, लेकिन मज़ा आ जाता है पूरे, मतलब फिल्म ये समझ लिया आप सलमान भाई की वजह से आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक्शन किया है और ज़बरदस्त लगे हैं वो। साथ ही चिरंजीवी का काम भी अच्छा है, नयनतारा भी अच्छी लगी हैं, वो थोड़ा अलग कैरेक्टर था उनका इस फिल्म में, लेकिन अच्छी लगी वो। लेकिन फिल्म बोर करती है बीच बीच में, कहीं आपको जैसे 15-20 मिनट के बाद आपको बोर करने लगेगी, फिर इंटरवल के थोड़ा पहले जब सलमान खान आते हैं वहाँ आपको अच्छी लगेगी, इंटरवल के बाद थोड़ी सी अच्छी लगेगी, फिर बोर करेगी, फिर क्लाइमैक्स में अच्छा लगेगी आपको फिल्म। तो थोड़ी सी स्क्रीन प्ले उसका वीक है फिल्म का, तो वो अच्छा होता तो और अच्छी होती फिल्म। 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से फिल्म को 3 स्टार देना चाहूँगा, एक बार देखी जा सकती है।